हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज बालकनी में कौवा आया, मतलब मेहमानों को साथ लाया, लेकिन आज मेरा अम्मी नहीं उठ पाया इसलिए मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाया। मैं भी काम करता हूँ इसलिए किसी को यकीन ही नहीं आया। फिर नाश्ता टपकाया, फिर अम्मी ने उठ के चाय बनाया और मुझको चाय पिलाया, फिर मुझसे झाड़ू भी लगवाया। सिर्फ झाड़ू नहीं और पूरे घर का काम भी करवाया। आप सब सोचते हैं कि छोटी नज़र नहीं आया, फिर छोटी ने आके अपना इंट्रोडक्शन सुनाया। हेलो गाइस, मैं छोटी हूँ और आज पता नहीं दीदी को क्या हो गया, या करे जा रही हैं कब से। छोटी को कुछ समझ नहीं आया इसलिए तुम जाके सो जाया। काम करने के बाद भूख लगा तो अम्मी ने चढ़ाया निहारी का देगचा। यहाँ देगचा चढ़ाया और वहाँ कौवा अपने साथ मेहमान लाया। ये चूज़ा जब भी हमारे घर आया इसने तोतों को बड़ा सताया। अगर हमने इसको रुलाया तो ये हमको अपनी अम्मी से पिटवाया, इसलिए हम इससे 200 फीट का दूरी बनाया। इसको मेरे भाई ने हटाना चाहा तो ये मेरे मोबाइल में घुस पाया। इसको अगर मैं अपना मोबाइल दिखाया तो ये मुझे बहुत सताया, इसलिए हम मोबाइल बंद करके इसको कल्टी करवाया। ये फिर से तोतों को सताया लेकिन मैं वहाँ से शार्ट हो जाया। दीदी आपको हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। अरे दीदी की बीमारी तो मुझे भी लग गई। तो निहारी बन के तैयार हुआ और मैं इसको बहुत मज़े ले लेके खाया। यकीन से बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो यही था मेरा आज तक का व्लॉग। होप यू एंजॉय अ लॉट। बाय बाय।